हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लाज़ो की बॉटम में एक सुंदर सा डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने स्ट्रिप को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने जॉइंट भी लगा लिया। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप जॉइंट लगा सकते हैं। इसमें हमारा एक भी जॉइंट नहीं लगा है। तो आप इस तरीके से स्ट्रिप बनाकर इसको रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर प्लाज़ो की कटिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। बस आपने क्या करना, जो आपकी लेंथ होगी उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना। उसके बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और 1.5 इंच जो हम कर्म करेंगे वो हमारा डिज़ाइन में सेट हो जाएगा, तो आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर स्ट्रिप को हमने पहले से ही कट कर लिया है। साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो साइज़ हमने लिया है, यहाँ पर लिया 2.5 इंच और इसका साइज़ है हमारा 2 इंच। अब जितना बॉटम आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसकी लेंथ चाहिए। अब राइट पर राइट रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर आप सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सीधी सिलाई लगाते हुए इसे आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी जॉइंट होगा उस सिलाई को हम खोल देंगे इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब आपने इसे इस तरीके से इक्वल करना है दोनों को, स्ट्रिप को। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आयरन लेंगे और इस पर हम आयरन करेंगे। दोनों स्ट्रिप को आपने एक साथ रखना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में एक पाइपिंग दिखाई देगी जो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर ये पाइपिंग बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, कोई भी गोटा पट्टी लगा सकते हैं आप इसमें। और नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए, राइट पर राइट रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए आपने यहाँ पर प्लीट डालनी है। प्लीट का साइज़ आप छोटा बड़ा इसमें कर सकते हैं। सभी प्लीट हमारी इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए, एक पैर की सिलाई लगाते हुए प्लीट डालेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लेंगे लेस, गोटा पट्टी जो भी आपके पास है आप वो से लगा सकते हैं। ये देखिए, जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर आपने इस तरीके से लगाना है। इससे हमारी नीचे की सिलाई वो दब जाएगी और यहाँ पर ये लगाया हुआ भी सुंदर दिखाई देगा। इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक और लगाएंगे स्ट्रिप। अब देखिए, यहाँ पर तब अगर हम नहीं लगाते तो ये हमारी जो प्लीट्स हैं ये खुल जाती हैं, तो जो देखने में अच्छी नहीं लगती। आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको ऐसा रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से एक रो यहाँ पर फिर से लगा रही हूँ और इसे मैं सेट करती जाऊँगी प्लीट को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसे बॉटम में बना सकते हैं, आप इसे स्लीव में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, और प्लाज़ो में ये डिज़ाइन किस तरीके से लगेगा ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लाज़ो में ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।